जानते हैं देश में एक ऐसा नेता है ना जो झूठ को सच बनाने का मैजिक जानते हैं। उनके पास जादू का छड़ी है, झूठ को सच चुटकी बजा के कर देते हैं। उनका नाम आप भी जानते हैं, हम उन्हीं का बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का। जी हाँ, झूठ को सच यूं बना देते हैं जैसे लगता है झूठ था ही नहीं, वो सच था। और बिहारियों को बहुत बड़ा सौगात दिए हैं। जी हाँ, बिहारियों को बहुत बड़ा सौगात वो 24 जोड़ी ट्रेन चला के दिए हैं जिसका नाम है पूजा स्पेशल ट्रेन। अब समझने वाली बात यह है कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज पर नहीं चढ़ के पूजा स्पेशल में कैसे आएगा, ये भी बात समझने वाली है। क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हम हवाई जहाज़ पर चढ़ाएंगे। अब कैसे हवाई जहाज़ पर चढ़ने पे गरीब आदमी मजबूर है, ये आपको समझना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। जी हाँ, अब हम अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम हुआ युवराज पटेल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, मोदी जी जो है ना, मोदी जी झूठ को सच इस तरह से बना देते हैं जिसे लगता है कभी झूठ था ही नहीं, वो हमेशा सच था। अब 24 जोड़ी ट्रेन चलाए हैं, बिहारियों को सौगात दिए हैं, और 24 जोड़ी ट्रेन में पूजा स्पेशल में भर भर के लोग आ रहे हैं, ठूस ठूस के लोग आ रहे हैं। वो मरेगा कि बचेगा कि कोरोना होगा, इसका कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, कोई सूद लेने वाला नहीं है। और जो आदमी अपने बीवी बच्चा के साथ प्रवासी मजदूर बनने के लिए गए हुए थे दूसरे राज्य में कमाने के लिए, वो मजबूर हो गए हैं हवाई जहाज़ में आने के लिए। अब उनके पास पॉकेट में पैसा खाने के लिए बचे या ना बचे, लेकिन सुरक्षित घर वो छठ के मौके पर अपना घर आना चाहते हैं, तो कैसे आएंगे? तो एक ही विकल्प है, वो है हवाई जहाज़। अब खाने के लिए पैसा रहे या ना रहे, लेकिन हवाई जहाज़ में चढ़ने के लिए वो मजबूर हो गए। अब समझना ये बात होगा कि कोरोना से पहले हमारे देश में 5100 जोड़ी ट्रेन चल रही थी, और कोरोना जब ख़त्म हो गया उसके बाद अभी फ़िलहाल हम आपको बता दें कि अभी चल रही है 3670 ट्रेन अभी चल रही है हमारे देश में। उसमें पैसेंजर भी शामिल है और मेल भी शामिल है, सभी मिलाकर हमने ये आंकड़ा बताया है। और पहले भी जो हमने आंकड़ा बताया, लगभग उसमें पैसेंजर और मेल ट्रेनों की लगभग संख्या थी 5100 जोड़ी ट्रेन देश में चल रही थी। उस वक्त भी ट्रेन की कमी थी और आज तो कमी है ही। अब ये समझने वाली बात है कि ये ट्रेन की कमी क्यों की गई, क्योंकि ट्रेन अगर पर्याप्त मात्रा में दे दिया जाएगा तो बिहार के लोग और देश के लोग क्यों हवाई जहाज़ पे चढ़ेंगे? जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो हवाई जहाज़ पे क्यों चढ़ेंगे? वो लिट्टी चोखा लेंगे और ट्रेन में बैठेंगे और खाते पीते दो दिन में अपना घर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब ट्रेन कम रहेगी तो फिर उसमें ठूस ठूस के आदमी जाएगा, तो अपना बीवी बच्चा का वो सुरक्षित घर पहुंचाने का जो जिम्मेदारी लिया था, घर वालों से जो वादा किया था कि हम कमाने जा रहे हैं और सुरक्षित घर वापस लौटेंगे, अब देखता है कि कैसे वो घर वापस लौटे। चूँकि जानते हैं ट्रेन के में जो बोगी होता है ना, उसमें एक टॉयलेट होता है, यानी कि लेटरिन होता है, उसमें भी 10 लोग ठूसा हुआ रहता है। अब ऐसे में वो अपने बीवी बच्चा के साथ कैसे आएगा? तो पैसा बचे या ना बचे, लेकिन हम घर जाएंगे। तो छठ के मौके पर कोई भी बिहारी को नहीं रोक सकता है। हालांकि आप किसी भी मौका पे बिहारी को रोक लीजिए, लेकिन छठ के मौका पे बिहारी नहीं रुकेगा और घर वापस आएगा। क्योंकि मेरा लोक आस्था का महापर्व है और ये पर्व हमें अपनों से मिलाता है, हमें अपने परिवार से मिलाता है, समाज से मिलाता है, इसलिए वो बाहर नहीं रुक सकता है। और हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज़ पर चढ़ने पर मजबूर हो जाता है। और मोदी जी के जो आका हैं, उनके दोस्त यानी कि अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला वगैरह वगैरह, उनको फ़ायदा पहुंचाना है तो ट्रेन को घटा देना होगा, ट्रेन की संख्या को घटा देना होगा, तभी जो ढंग का चप्पल नहीं खरीद सकता है वो हवाई जहाज़ का टिकट जरूर खरीदेगा। क्योंकि उनको अपनी बीवी बच्चा का पड़ा है और अपने घर आना उनको ज़रूरी हो जाता है, इसलिए हवाई चप्पल पहनने वाले आज हवाई जहाज़ पर चढ़ने पर मजबूर हैं और मोदी जी का सपना पूरा कर रहे हैं और अपना भी सपना पूरा कर रहे हैं। चूँकि जो आदमी अपने घर के आंगन से आसमान की ओर देखा करते थे कि हवाई जहाज़ उड़ रहा है, आसमान में उड़ रहा है, आज उसी आसमान में हवाई जहाज़ के अंदर उड़ करके अपने घर पहुँच गए हैं और छठ के मौके पे पहुंच रहे हैं। और ये समझने वाली बात होगी कि सरकार जो पीठ थपथपा रही है कि हमने बिहारियों को 24 जोड़ी ट्रेन देकर बहुत बड़ा सौगात दे दिया है, तो ये समझना पड़ेगा कि कोरोना से पहले 5100 जोड़ी ट्रेन चल रही थी, फिर भी कम था, और आज तो कम है ही, आज 3670 ट्रेन चल रही है पूरे देश में पैसेंजर और मेल मिला करके, जिसको लेकर बिहारियों को भारी दिक्कत हो रही है। और ट्रेन की बोगी में जो टॉयलेट होता है उसमें भी 10-10 लोग ठूस ठूस के आ रहे हैं, जनरल तो जनरल छोड़ दीजिए, एसी और स्लीपर का भी हालत ख़राब है। और ऐसे में
जो लोग अपने बीवी बच्चा के साथ घर वापस आना चाहते हैं वो हवाई जहाज का टिकट खरीदने पे मजबूर हो गए हैं। और ऐसे में मोदी जी का सपना भी साकार हो गया और जो आदमी कभी हवाई जहाज का सपना नहीं देखा था वो भी हवाई जहाज पर चढ़ के अपना भी सपना पूरा कर लिया और मोदी जी का भी सपना पूरा कर दिया। तो हुई ना बात कि अपने आका को खुश करने वाली, यही है मोदी जी का मैजिक। हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज पर चढ़ रहे हैं और बिहारी आज भी परेशान है और कल भी परेशान है और लोगों को ये विश्वास दिलाया जाता है कि मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। वो भी कैसे, अखबार में विज्ञापन देके, रेडियो पे विज्ञापन देके, मन की बात के माध्यम से, कई टीवी चैनलों के माध्यम से ये विश्वास दिला दिया जाता है कि मोदी जी जो हैं वो इस देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इस देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, यही उनके पास मैजिक। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर भी फॉलो करें। धन्यवाद।